नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज 21 अक्टूबर हो रखा है और कल की जो हमारी जो मंडी क्लोज हुई थी उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, ताकि जो भी आज किसान भाई व्यापार करने जाए, जो भी प्याज लहसुन बेचने जाए, तो उनको आइडिया हो जाए कि आज क्या भाव रहने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं जावरा मंडी की। जावरा मंडी और रतला मंडी के बारे में बात करेंगे। तो जो जावरा मंडी है उसमें प्याज कल बिका था 1100 से लेकर 5200 तक, थोड़ा कम रहता है इंदौर मंडी के कंपेयर, और 1100 से 1200। सोयाबीन बिका था 3900 से 4400 के कल, वहाँ पर सोयाबीन इतने आए नहीं थे, इंदौर मंडी का भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब गेहूं अगर देखें तो 1850 से 2285। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जावरा मंडी या रतला मंडी में आप गेहूं और सोयाबीन अपनी छोटी मंडी में ले जाए, या ऐसी डिटेल निकाल कर ले जाए जहां पर माल नहीं जा रहा है, कम जा रहा है। क्योंकि इंदौर मंडी में सोयाबीन कम बिका है, कंपेयर कर अगर हम इसकी से तुलना करें तो गौतमपुरा मंडी से, जावरा मंडी से। लहसुन अगर देखें तो 10050 से 11500 बिक चुकी है हमारी जावरा मंडी में। और रतला मंडी में अगर लहसुन देखें तो उससे थोड़ी कम रही, 8500 से 10200। और प्याज तो लगभग सेम ही था, 1200 से लेकर 5300 तक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।